नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत हम आज इसके जो कॉन्सेप्ट थे उनको हम कर रहे थे। दो वीडियो आपके जा चुके हैं, तो ये वीडियो नंबर 3 है। तो आप अच्छे से इसको देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ। आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे बाजारी मूल्य क्या होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। तो बाजार में शेयर की कीमत को बाजारी मूल्य कहते हैं, यानी मार्केट प्राइस कहते हैं। यानी जो बाजार में इसकी जो कीमत लगी हुई है वो इसकी कहलाती है बाजारी मूल्य। बाजारी मूल्य मतलब बाजार की कीमत, मार्केट प्राइस होता है जो वो उसकी बात कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। आप इन्हें याद रखते हैं तो इसके क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर पाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देख सकते हैं, लाभांश जो होता है उसे कंपनी अंकित मूल्य पर देती है, न कि उसके बाजार मूल्य पर। तो हमेशा जब भी कंपनी लाभ देगी आपको, तो हमेशा किस पर देगी आपको? अंकित मूल्य पर देगी, जो कंपनी ने तय किया हुआ है, जो कंपनी ने पहले ही जो शेयर्स का जो एक्चुअल मूल्य है, जो उन्होंने अपने पहले तय किया हुआ है, उसी मूल्य पर आपको क्या देती है? लाभ देती है, न कि आपको मार्केट प्राइस पर देती है। ये चीज आपको याद रखनी है। किस तरीके से, एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। तो देखिए, माना कि अंकित मूल्य यहाँ पे मार रहे हैं और यहाँ पर हम बाजार मूल्य मार रहे हैं। तो अंकित मूल्य हमने कहा कहा कि आपको 100 रुपये में, आपको 100 रुपये का एक शेयर दिया हुआ है कंपनी ने, अंकित मूल्य ये रखा हुआ है। इस पर क्या हुआ कि इस पर हमें उसने 5% लाभांश दिया। किसने? कंपनी ने। जब कंपनी 5% लाभ देगी तो हमें कितने मिलेंगे? 105 रुपये। 105 रुपये मिलेंगे। 100 का अगर 5% निकालेंगे तो 105 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 105 रुपये हो गए। अब ये जो 105 रुपये हैं, तो अगर बाजार की बात करी जाए तो बाजार में आपने शेयर कितने का खरीदा हुआ था? 100 रुपये का शेयर खरीदा हुआ था। तो उसमें आपका लाभांश जुड़ जाएगा। लाभांश कितना? जो 5 रुपये आपका लाभांश आया हुआ है, वो 5 आपका लाभांश जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो वहां पर कितना हो जाएगा? 115 रुपये हो जाएगा आपका लाभांश। तो आपको 110 रुपये में अगर आपने खरीदा हुआ था तो आपको 115 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि ये 5 रुपये जो आपके 5 लाभांश मिल रहा है वो आपको अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, न कि आपको बाजार मूल्य पर। अगर बाजार मूल्य पर आप लेंगे तो 110 का आपको 5% निकालना होगा। कितना निकालना होगा? 5% निकालना होगा। ठीक है, तो आप अगर इसका निकालेंगे तो इसका ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक है, इसे काट लेंगे आप, देखिए 5 दूनी 10। ठीक है, और इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5.5 आ जाएगा। तो आपको 5.5 तो रुपये नहीं दे रहा है, ये आपको कितना? 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो यही आपके लाभांश में जुड़ जाता है। आप समझ गए होंगे कि आपका अंकित मूल्य और जो बाजार का मूल्य होता है उसमें जो आपको लाभांश दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि लाभांश को समझ लेते हैं। देखिए, शेयर पर लाभ देना ही क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। शेयर पर जो लाभ दिया जाता है, शेयर के अमाउंट पर, वही आपका लाभांश होता है। ये समतुल्य मूल्य क्या होता है? जब कंपनी का विक्रय मूल्य शेयर मूल्य, यानी शेयर के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। तो कंपनी ने जो आपका विक्रय मूल्य जो कंपनी बेच रही है और जो शेयर का मूल्य है वो जब बराबर हो जाएंगे, यानी जो अंकित मूल्य है वो बराबर हो जाएंगे, तो क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा आपका समतुल्य मूल्य। क्या बोलेंगे इसे? हम समतुल्य मूल्य बोलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो कि जैसे ये 100 है तो ये 100 है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? समतुल्य मूल्य कहलाएगा। आगे इसके और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अधिमूल्य क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे एबव पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का विक्रय मूल्य, जैसे मान लीजिए, देखिए कंपनी का विक्रय मूल्य ज़्यादा है किससे? अंकित मूल्य से। तो कंपनी ने जो निर्धारित किया हुआ है अंकित मूल्य, उससे कंपनी का विक्रय मूल्य ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे 100 माना हुआ था, यहाँ पर 120 जा रहा है, तो इसे अधिमूल्य बोलेंगे। अधिमूल्य का मतलब ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का, तो वो अधिमूल्य हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे तो अवमूल्य, अवमूल्य का मतलब घटना होता है। तो देखिए, घटना आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कंपनी का विक्रय मूल्य कम हो और जो कंपनी ने, कंपनी का जो अंकित मूल्य हो वो ज़्यादा हो। तो कंपनी का अंकित मूल्य 120 रुपये और कंपनी का विक्रय मूल्य हमने कितना माना? 100 रुपये है। तो ये अवमूल्य में चला जाएगा, यानी बिलो पर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो दलाली क्या होती है, दलाली को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर दलाली क्या होती है कि कंपनी और शेयर लेने वाले के बीच में कमीशन खाने वाला व्यक्ति दलाल कहलाता है। ठीक है, तो वो दलाली करता है। किस प्रकार से दलाली करता है? जैसे मान लीजिए खरीद मूल्य आपका 100 रुपये रखा है, इसमें दलाल कह रहा है कि मुझे 5% आप दोगे तभी आप वो शेयर खरीद पाओगे, यानी
यानी मैं उसमें मान लीजिए एक बीच में मीडिएटर हूँ आपको खरीदवाने के लिए, तो शेयर लेने वाले को कितना पड़ेगा? तो शेयर लेने वाले को शेयर पड़ेगा 105 रुपये का, क्योंकि 5% तो दलाली खा जाएगा, तो आपको शेयर लेने वाले कितने का पड़ेगा? 105 रुपये का पड़ेगा। इसी प्रकार से बेचने वाला मूल्य, अब देखिए मान लीजिए कंपनी कह रही है कि हम 100 रुपये में शेयर आपको बेचने देंगे, मतलब एक शेयर की कीमत हम 100 रुपये आपको देंगे जब आप अगर बेचोगे तो। अब दलाल कह रहा है कि 5% हम लेंगे। अब 100 में से अगर 5% यानी 5 रुपये दलाल ले जाएगा, तो जो बेचने वाला कैंडिडेट्स है यानी जिसके वो शेयर हैं, तो उसे कितने रुपये मिलेंगे? तो उसे 95 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से जो दलाल होते हैं वो कमीशन खाते रहते हैं बीच में। तो इस तरीके से आपने समझा कि दलाली क्या है, और इस तरीके से इसके जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं वो आपने समझ लिए, और इसके जो आगे कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है? तो आपको वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।